गाइस, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपॉक पे। और आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस के बारे में। एक तरफ है नॉइस कलर फिट प्रो 3 और एक तरफ है ऑनर वॉच ES। देखते हैं दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, क्योंकि दोनों ही सेम प्राइस सेगमेंट के रेंज में आती हैं। अभी ऑनर वॉच ES का प्राइस जो है वो कम हो चुका है, 499 रुपीज की आपको मिल रही है, और नॉइस कलर फिट प्रो 3 आपको 4499 रुपीज में मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 रुपीज का गैप है। तो आप यहाँ पे टेक अ लुक कर सकते हो कौन सी वॉच आपके लिए बेटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो आप कोई भी वॉच बाय करते हैं तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वॉच को बाय करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट होगा और उतना ही ज़्यादा आप सनलाइट में उसको देख सकेंगे, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको 1.55 इंचेस का ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलता है, जो कि LCD है, जिसका रेजोल्यूशन 360x320 पिक्सल्स है। और ऑनर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1.65 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 280x456 पिक्सल्स है। तो यहाँ पे पिक्सल्स के मामले में ऑनर आगे निकल के आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको रेस टू वेक का फीचर मिल जाता है, बट ऑनर में एक एडेड एडवांटेज है, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। और उसी के साथ साथ ऑनर में आपको डीप ब्लैक मिलते हैं देखने के लिए AMOLED डिस्प्ले की वजह से, और साथ में यहाँ पे जो कलर्स हैं बहुत ज्यादा पंची एंड वाइब्रेंट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में 2.5D कर्व ग्लास का यूज किया गया है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन आपको ऑनर की वॉच में मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको कोई भी टेम्पर्ड ग्लास का प्रोडक्शन मिलता है। एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं है कौन सा यहाँ पे प्रोडक्शन यूज किया गया है। दोनों ही वॉच में जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो 326 मिल जाती है आपको, जिसकी वजह से जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा शार्प आपको नजर आएंगे वॉच में। और यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 की जो पीक ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनर, बट यहाँ पे ऑनर में AMOLED डिस्प्ले यूज किया गया, तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सनलाइट में आप दोनों ही वॉचेस को देख सकते हो, दोनों ही वॉच की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है, कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। अभी एक्जैक्टली यहाँ पे 30 to 35 वॉच फेसेस एड किए गए हैं जो आपको मिलते हैं, और एक OTA अपडेट दिया था कंपनी ने, उसके बाद भी अभी जो इशूज थे वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं लोगों के। तो यहाँ पे बहुत सारे इशूज लोगों के अभी भी हैं, जैसे कि कॉल डिले का ऑप्शन इशू आ रहा है लोगों को, नोटिफिकेशन लेट आ रहे हैं, और बैटरी बैकअप भी कम दे रही है नॉइस कलर फिट प्रो 3। ऑन द अदर हैंड ऑनर की अगर मैं बात करूँ, 100+ वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे एक्टिविटी मोड्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ एप्लीकेशन सपोर्ट भी इस वॉच का बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको इनबिल्ट 6 वॉच फेसेस मिलते हैं, उसमें से आप जो छठा वॉच फेस है एज अ अपनी पिक भी रख सकते हो, तो गैलरी से कोई भी पिक आप एज अ वॉच फेस रख सकते हो, ऑनर में भी एज इट इज आप ऐसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छे खासे फिटनेस मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको 14 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, ऑनर ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 95 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एनिमेटेड है, मतलब 12 एनिमेटेड आपको मिलते हैं। और यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में एक प्लस पॉइंट और है कि IP68 वाटरप्रूफ है, मतलब आप दोनों ही वॉचेस को स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, 50 मीटर तक ये वाटरप्रूफ है और स्विम प्रूफ भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती है आपको नॉइस कलर फिट प्रो 3, और ऑनर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है, और इसी के साथ साथ स्ट्रैप ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रैकिंग का अच्छी तरीके से आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करेगी ऑनर की वॉच एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। सारे के सारे सेंसर्स अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में, एक्सेलोमीटर है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है, और साथ में यहाँ पे ऑनर में आपको 6-axis एक्सेलोमीटर मिलता है, गायरोस्कोप सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है, साथ में कैपेसिटिव सेंसर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑनर थोड़ा सा आगे निकल के आता है नॉइस कलर फिट प्रो 3 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलते हैं। सबसे पहले स्मार्ट नोटिफिकेशन दोनों में ही आप रिसीव कर सकते हो, और कॉल को आप उठा नहीं सकते दोनों ही वॉचेस में, सिर्फ वाइब्रेशन अलर्ट ही मिलता है आपको। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, वेदर नोटिफिकेशन मिल जाता है, एज इट इज ऑनर में भी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर काउंटडाउन टाइमर भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फुल टच डिस्प्ले मिलता है दोनों ही वॉचेस का, बट ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे ऑनर की वॉच है, क्योंकि इसमें ऑनर ने अपना वावे का UI यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूड ये नज़र आती है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, 10 मीटर तक की रेंज सपोर्ट करती हैं दोनों ही वॉचेस। दोनों में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि फाइंड माय फोन और म्यूजिक कंट्रोल। दोनों में ही आपको कैमरा शटर बटन नहीं मिलता है, तो ये एक मेरे को फीचर कम लगा दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस आपकी एंड्रॉयड और iOS से सपोर्ट करती हैं, तो आप जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और दोनों ही वॉचेस के फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉच आगे निकल के आती है। यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है और 8 MB ऑफ रैम मिलती है, जिसके थ्रू आप जो जितने भी वॉच फेस हैं या उसका UI वो रन करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनर की, तो यहाँ पे 4GB, यस 4GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है आपको और 128MB रैम मिलता है। तो यहाँ पे बहुत आगे निकल के आती है ऑनर की वॉच। और आई गेस नॉइस कलर फिट प्रो 3 में थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया है, 8MB नहीं, यहाँ पे 16 to 32 MB तक रैम दिया गया है, तो यहाँ पे 8MB लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 ने अपना खुद का जो UI है वो यूज़ किया हुआ है, और ऑनर ने अपना हुआवे कस्टम UI यूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा फ्लूड है एज़ कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोनों ही वॉचेस में आपको सिंगल बटन मिलती है, स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट से आप स्वाइप गेस्चर भी यूज़ कर सकते हो, और बटन से आप होम स्क्रीन पे जा सकते हो दोनों ही वॉचेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस आपकी करीब करीब 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं, बट यहाँ पे ऑनर लीड से है, क्योंकि ऑनर 1 hour 5 minutes में फुल चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 आपको 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम देती है, ऑनर की वॉच आपको 25 days का स्टैंड बाय टाइम देती है। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप कैपेसिटी है, यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 की 210mAh ली आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है, और ऑनर की वॉच में आपका 230mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी तरफ से जो रन टाइम है वो 10 दिन का मिलता है आपको नॉइस कलर फिट प्रो 3 में, और ऑन द अदर हैंड ऑनर में आपको 10 दिन का रन टाइम मिलता है एज इट इज़। बट यहाँ पे जो चार्जिंग पिन टाइप है, दोनों का थोड़ा सा अलग है, जैसे कि यहाँ पे आपको पोगो पिन मिलता है ऑनर में, और यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में मैग्नेटिक पिन मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्चुअल जो प्रैक्टिकल यूजेज है, वो नॉइस कलर फिट प्रो 3 का बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। यहाँ पे 5 दिन का बैटरी बैकअप देती है अगर आप ब्लूटूथ को सीधे कट डाउन कर देते हो, ब्लूटूथ यूज़ नहीं करते हो और ऐसे ही एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हो, हार्ट रेट को ऑन रखते हो, तो यहाँ पे आपको 5 दिन का विदाउट नोटिफिकेशन यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो 2 से 3 दिन का आपको बैटरी बैकअप दे देगी ये वॉच ईजिली। ऑन द अदर हैंड ऑनर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 8 days का आपको विदाउट नोटिफिकेशन यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है, बट नोटिफिकेशन सारे ऑन रखोगे तो 4.5 से 5 दिन का आपको बैटरी बैकअप आराम से ये दे देगी, तो ये प्लस पॉइंट है ऑनर का। नेक्स्ट मेन फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे किस वॉच में ज़्यादा फीचर्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको हार्ट रेट स्कैनर मिलता है एज इट इज़, ऑनर में भी आपको हार्ट रेट स्कैनर मिलता है, बट यहाँ पे ट्रू सीन 4 का यूज़ किया गया है, जो कि मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। नेक्स्ट SPO2 मॉनिटर का यूज़ किया गया दोनों में ही, बट यहाँ पे ऑनर में लाइव SPO2 दिखाता है आपको, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 से, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मेडिकल इक्विपमेंट आप यूज़ करिए, आप एज अ रेफरेंस ही यूज़ कर सकते हो SPO2 मॉनिटर या फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, जो ऑनर में मिसिंग है। स्लीप मॉनिटर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, बट यहाँ पे ऑनर में ट्रू स्लीप 2.0 का यूज़ किया गया है, जो प्लस पॉइंट है। उसी के साथ साथ कैलोरी मीटर और स्टेप काउंटिंग आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेडेंटरी हैंड वॉश रिमाइंडर आपको मिल जाता है नॉइस कलर फिट प्रो 3 में, और ऑनर में आपको क्या मिलता है, 44 एनिमेटेड वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा है नॉइस कलर फिट प्रो 3 से। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ब्रीद एंड रिलैक्स का मोड मिलता है नॉइस कलर फिट प्रो 3 में, ऑनर में आपको एज इट इज़ मिल जाता है ब्रीद का ऑप्शन, बट यहाँ पे रिलैक्स मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ ऑनर में एक चीज़ प्लस पॉइंट और है कि यहाँ पे 12 एनिमेटेड वर्कआउट कोर्सेज मिलते हैं, यस यहाँ पे एज एन पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप जो पे कर रहे हो उसकी आपको वैल्यू मिल रही है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर आपको ऑनर में ही मिल जाता है विद ट्रू रिलैक्स फीचर के साथ, जो ये प्लस पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे ऑनर की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3 इन टर्म्स ऑफ जितने भी इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में, किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 और ऑनर की वॉच में थोड़ा सा जो वेट डिफरेंस है, जैसे कि नॉइस कलर फिट प्रो 3 38.9 grams की है और ऑनर की वॉच आपको 34 grams की मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में जो स्ट्रैप साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि नॉइस कलर फिट प्रो 3 में आपको 22mm स्ट्रैप साइज मिलता है, तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, और ऑनर में आप 20mm स्ट्रैप साइज को यूज़ करते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 में थर्मोप्लास्टिक प्लूरोइथेन स्ट्रैप का यूज़ किया गया, जो स्ट्रैप की क्वालिटी है, और ऑनर की वॉच में आपको सिलिकन स्ट्रैप मिलता है, जो ज़्यादा स्क्रीन फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक प्लूरोइथेन स्ट्रैप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे वॉच डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का बना है नॉइस कलर फिट प्रो 3 में, ऑनर में भी एज इट इज़ यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का ही है, दोनों में ही मेटल का यूज़ नहीं किया है, ना ही एल्युमिनियम अलॉय का, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है। और बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेटल का यूज़ किया जाता या एल्युमिनियम अलॉय का यूज़ किया जाता जो ज़्यादा बेटर था। सिंपली अगर आप कोई भी वॉच बाय करना चाहते हैं और तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाके बाय कर सकते हो और दोनों ही वॉचेस आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको लो प्राइस में ये वॉच बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन एरिया को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे लो प्राइस लिंक मिल जाए,
सो दैट आप डायरेक्टली वहां से जाके बाय कर लो। आई गेस मैंने सारे के सारे एक्सपेक्ट्स हैं वो कवर कर दिए होंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके की डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। सो टिल देन, थैंक यू।